नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर भारत में। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। और सबसे पहले आप सभी तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां से पूरी दुनिया में गणतंत्र का संचार हुआ, आज वह देश गणतंत्र दिवस के रंगों में सराबोर है। जी हां, बिहार का वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र है। भारत का गणतंत्र 71वें साल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन एक तरफ जहाँ पूरे देश में जश्न है और उनके हाथों में तिरंगा है, वहीं आज नहीं बल्कि पिछले 40 से अधिक दिनों से देश के लाखों लोगों के हाथों में तिरंगा है और वे कह रहे हैं कि वे इसी देश के हैं और उन्हें इस देश का हक चाहिए। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होने से आज तक हर नागरिक को गणतंत्र देश के नागरिक होने का काफी लंबा तजुर्बा और इतने सालों में देश ने लिख डाले विकास की कई नई इबारतें, लेकिन आज भी कई सवाल जस के तस पड़े हैं। इस दौर में सियासत का मन और मिजाज दोनों बदला, तो साथ ही बदल गई लोगों की सोच। परिवार सिमटते हुए एकल होने लगे, जरूरतें बढ़ती गई और समाज का दायरा भी संकुचित हो खुद के फायदे तक ही सीमित हो गया। पर इन सब के बीच कुछ वैसे लोग हुए जो खुद की परवाह नहीं करते हुए समय और समाज में सकारात्मक परिवर्तन का अलख जगाने का काम, जिन्हें हम वर्षों से महापुरुष कहते आ रहे हैं। महात्मा गांधी कहें, नेहरू कहें, अंबेडकर कहें, राजेंद्र प्रसाद कहें, सुभाष चंद्र बोस कहें, या कहें उन वीर सच्चे सपूतों की टोली के नाम जो हंसते हंसते देश के नाम पर मिट गए, जिनकी छोटी छोटी कोशिशों से समाज का अंधियारा मिटा और लोगों के जीवन में भर गई उम्मीद की रोशनी। गली गली में गूंजती देशभक्ति गीत, बच्चों के हाथों में लहराते तिरंगे, हर दफ्तर के आगे झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान और जलेबी अमूमन राष्ट्रीय पर्वों की यही पहचान है। इंडिया गेट पर राष्ट्रपति का झंडोत्तोलन, राष्ट्रपथ पर जवानों के कर्तव्य, सजे सबरे और कुछ कुछ कहती झांकियां, सैनिकों के कदम ताल, तीनों सेनाओं का शानदार प्रदर्शन, तोपों की गड़गड़ाहट, आसमान में पैतरे भरते लड़ाकू विमान और इस नजारे को देश सहित देखती पूरी दुनिया। यह है हमारा गणतंत्र दिवस और देश की आन बान शान। लेकिन जिस जश्न को हम आज देख रहे हैं, ठीक वैसा ही नजारा देश के अन्य हिस्सों में पिछले एक महीने से देखने को मिल रहा है। नागरिकता कानून के विरोध में पूरा देश चल रहा है। पूर्वोत्तर से फैली विरोध की आग आज पूरा देश में फैल गई है। हर जगह जेएनयू है और हर जगह शाहीन बाग। सरकार अपने फैसले पर अडिग है। जिस धर्मनिरपेक्षता और अपनी संस्कृति की पगडंडियों पर हम आज जश्न में डूबे हैं, आज वो आरोपों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फॉर भारत, पटना।